हेलो नमस्कार साथियों, शिक्षा जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ में मैं उपस्थित हूं आप सभी के बीच। सिवाय एजुकेशन से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की महत्वपूर्ण खबरों में देखें तो पहली खबर आ रही है कि 2017 से पहले संभव नहीं था कि पारदर्शी रूप से भर्तियां की जाएं। ऐसा सीएम ने तब कहा जब सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मंगलवार को लोकभवन में अधीनस्थ चयन आयोग से जो चयनित 647 वन रक्षक हैं और वन्य जीव रक्षक को हैं उनमें 41 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए ऐसा उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सुचितापूर्ण भर्ती संभव नहीं थी। उस समय सभी आयोग व बोर्डों पर सवाल उठते थे। आज भी तमाम मामलों में सीबीआई जांच चल रही है। उस समय सरकार की कार्यपद्धति से युवाओं के भविष्य में न सिर्फ खिलवाड़ किया गया बल्कि प्रदेश की पहचान से संकट को भी गुजरना पड़ा। तो ऐसी तमाम बातें बोली गई हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और यहीं पर इन्होंने 647 वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों के जो 41 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अवर अभियंता थे उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। साथियों, अगली खबर इसी क्रम में है। अगली खबर में अगर हम देखें तो साथियों, जो डीएलएड के साथी हैं जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आज से ऑनलाइन डीएलएड सत्र 2024 के लिए 18 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण सत्र 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी और शासन से प्रवेश प्रक्रिया की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर आवेदन लिया जाएगा और 18 से 35 वर्ष के स्नातक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक चलेगी और 10 अक्टूबर से शुल्क जमा होगा। 12 अक्टूबर तक आवेदन का प्रिंट ले सकेंगे। इसमें मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के गुणांक से मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर 16 अक्टूबर को रैंक जारी की जाएगी। ठीक है, और 17 से 30 अक्टूबर तक मेरिट के आधार पर काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन होगा। 13 नवंबर को प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी और रिक्त सीटों के सापेक्ष द्वितीय चरण की काउंसलिंग 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी और 10 दिसंबर तक द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा एक डाटा है किस आधार पर ये काउंसलिंग आपका किया जाएगा, आवेदन किस तरीके से लिया जाएगा। वहीं अगली खबर है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। साथियों, ध्यान दीजिएगा, यह बैठक आपकी गुरुवार को अपने आवास पर सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इसमें सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री प्रशासनिक काम में तेजी लाने के लिए निर्देश देंगे। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री व सभी राज्य मंत्री शामिल होंगे। इसमें उपचुनाव की तैयारियों, स्वच्छता पखवाड़ा, सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इसके अलावा कैबिनेट की बैठक अलग से हो सकती है जिसमें शिक्षक भर्ती को लेकर भी कुछ बातें हैं जिस पर बात किया जा सकता है, उस पर भी कोई खबर निकल सकती है। तो इसलिए ये बैठक जो होगी बड़ी अहम होगी उन साथियों के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो आज से जारी होगी सिपाही भर्ती परीक्षा की आंसर शीट और साथियों ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस व प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सिपाही नागरिक पुलिस के जो 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा की आंसर शीट यानी कि उत्तर कुंजी जो है वो बुधवार से जारी की जाएगी। आज से अभ्यर्थी बोर्ड को अपनी आपत्तियां 11 सितंबर से 19 सितंबर तक भेज सकेंगे। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा विगत 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को संपन्न हुई थी और परीक्षा कुल 10 पालियों में आयोजित की गई थी जिसके प्रश्नपत्र अलग अलग आए थे। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि परीक्षा संपन्न होने के बाद बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी को अपनी वेबसाइट upppb.gov.in पर बुधवार से प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी देख सकेंगे। आपत्तियां समय सारणी में निर्धारित अंतिम तिथि की रात 12 बजे तक भेजी जा सकती हैं और आपको मैं बता दूं कि
परीक्षा की तिथि दोनों पालियां यानी जो आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय है। देखो जिन भी साथियों का 23 अगस्त को परीक्षा हुई थी उनकी आंसर की 11 सितंबर से 15 सितंबर तक वो देख सकते हैं। जिनका 24 को है, 24 को एग्जाम था 24 अगस्त, वो 12 सितंबर से 16 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और देख सकते हैं 12 सितंबर को। जिन भी साथियों का 25 अगस्त को परीक्षा थी वो 13 तारीख को अपना आंसर की देख सकते हैं और 17 तक वो उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसी तरीके से 30 को जिनका था वो 14 से 18 के मध्य और 21 वालों का 15 से 19 के मध्य। तो ये रही आज की कुछ प्रमुख खबरें जो शैक्षिक जगत से संबंधित थी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये जानकारी, कैसी लगी ये जानकारी, इसलिए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं साथियों तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि अब डेली आपसे मुलाकात एक नई खबरों के साथ में होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।